बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते शनिवार को विद्युत कर्मी सुशील तिवारी की भी हत्या अपराधियों ने अहले सुबह कर दी थी। जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे तब हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद मृतक सुशील तिवारी के शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आज बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी वैशाली पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार का धांधस बढ़ाया और बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन शराबबंदी में लग गया है, पुलिस का बस एक ही काम रह गया है, मुंह में लगाकर सूंघो और जेल भेज दो। क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सुशील मोदी ने बिहार सरकार को यह सलाह दी कि शराबबंदी से जुड़े मामले को एक्साइज ही देखे, उत्पाद विभाग के कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस को केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए छोड़ दें और उत्पाद विभाग को शराब के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के लिए दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। कैसे देखते हैं पिता की हत्या की थी? बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से दुकान में घुसकर और हत्या की गई है, 8-8 गोली मारी गई है, इसका मतलब कि अपराधी मारने की नीयत से ही आए थे और सीसीटीवी कैमरा में सारी चीजें दर्ज है। मेरी एसपी से भी बात हुई है, एसपी साहब ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की तलाश में पुलिस लगी है। देखिए, सबसे दुखद ये कि अपराधी का मन इतना बढ़ जाए, किसी का कोई विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन अपराधी का मनोबल इतना ऊंचा हो कि वो जेल जाने से उसको कोई डर नहीं है, उसको मालूम है कि मुकदमा वगैरह चलेगा नहीं, साल दो साल के बाद जेल से निकल जाएंगे, और 8-8 गोली मारना, तो ये बहुत दुखद है। अभी एसपी से मेरी बात हुई है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी कार्रवाई करेंगे और दो गिरफ्तारी और भी लोगों को गिरफ्तार जो है किया जाएगा। मैं डीजीपी भट्टी साहब से भी बात करूंगा इस मामले में को पूरी गहराई के साथ, क्योंकि इनके पिताजी की भी हत्या हुई थी 10 साल पहले और ये तो काम करते थे सरकारी दफ्तर में और घर का व्यापार भी था तो था, वो जाकर के देख दिया करते थे। तो इस पूरे मामले का कि पिताजी की क्यों हत्या हुई, उसमें क्या मामला था, अभी क्या मामला है और पूरा परिवार दहशत में। अभी एसपी ने बताया कि 2 सिक्योरिटी गार्ड दिया गया, लेकिन 2 से काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड की इनके परिवार को आवश्यकता है। क्यों ऐसे लग रहा है कि बिहार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पार्टी के आपसे आपके जुड़े हुए? इसका एक बड़ा कारण तो ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो शराबबंदी में लग गया, क्योंकि शराबबंदी जो है कमाई का सबसे बड़ा साधन है। तो अब पूरा पुलिस प्रशासन का एक ही काम है कि मुंह में लगाकर सूंघो, पकड़ के जेल भेजो, फाइन करो, और जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको प्रोत्साहित करना, तो दोनों काम नहीं हो सकता। बिहार सरकार को चाहिए कि जो शराबबंदी से जुड़ा मामला उसके लिए एक्साइज के अंदर संख्या बढ़ाए, वही लोग देखें, और पुलिस को के लॉ एंड ऑर्डर के लिए छोड़ दें, पुलिस के लिए दोनों काम करना संभव नहीं है।